रहीम। तंजीम के बल पर दुनिया के नक्शे पर नया मुल्क उभरा है, ये सदी का किस्सा है, दो चार बरस की बात नहीं। पहले गौर कीजिए इस लफ्ज निस सदी पर, या फिर निस से भी 16 साल ज्यादा। ये तब का किस्सा है जब बड़े बड़े मीरे कारवां इकट्ठे हुए और अल्लामा इकबाल के ख्वाब को मेरे कायद मेरे जिना की कयादत में पूरा किया गया। तमाम मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा किया गया और एक कौम बनाया गया, जो आज भी एक कौम की सूरत में मौजूद है। और भारत की दो फुट की लड़की मेरे मुल्क की बात करती है, ए लड़के हम मोमिन हैं, इकबाल के शाहीन हैं, मोहम्मद बिन कासिम की ललकार है, महमूद के तलवार है, कबाबो इतर बेशुमारान है, तेरी तरह बेहंगल हजूम नहीं, और तू मेरे मुल्क की बात करती है। ए लड़की अपने लोगों में बैठे अल्फाज की क्या हेर फेर करती है, अपने चेहरे को छुपाए अपने लोगों में बैठे चलता फिरता इंडियन ड्रामा, माथे पे टीका लगा अपने चेहरे को छुपाए अपने लोगों में अल्फाज की हेर फेर करती है। तुझे सिर्फ अल्फाज की हेर फेर आती है, अल्फाज का तुझे कुछ पता ही नहीं, तलफ्फुज़ से तेरा कोई वास्ता ही नहीं कि तुझे शेर तक बोलना नहीं आता, और तू मेरे मुल्क की बात करती है। लगता है तूने किसी बड़े से बात नहीं की, मशवरा नहीं लिया कि मैं पाकिस्तान को मिटाने जा रही हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने जा रही हूँ, वरना वो तुझे कहता ए नादान लड़के मत भूलना, हम जिस पाकिस्तान का पिछले 64 सालों में कुछ नहीं बिगाड़ सके, तू क्या उसे सफाई हस्ती से मिटाएगी? ख्याल करना कि कहीं तू ना सफाई हस्ती से मिट जाए। तेरे बड़े अमन की आशा की बात करते हैं और तू मेरे मुल्क की बात करती है, अपने लोगों में बैठे क्या अल्फाज की हेर फेर करती है? हिम्मत है तो सामने आ, हकीरे नातवाई नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान तेरी बातों से जाग चुका है। यकीन नहीं आता तो खुद जाके यूट्यूब पे देख ले कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर मेरे समेत बड़े बड़े लोगों ने तुझे जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया। टूटी हुई मुंडेर पे जलता हुआ दिया मौसम से कह रहा था आंधी चला के देख, मत भूलो वो हमारे अबाओ थे जो कैसरो कसरा को रौंदते, मिस्र के साहिल फलांते, जामिल अजर की बुनियादें रखने वाले थे, मत भूलना उनको, वो हजरत दाता फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, वो हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े मीरे कारवां काफला सलार अग्यारे अंगोश्ती का सजदा रेस गुजरे, मत भूलना उनको। हर मुसलमान रगे बातिल के लिए नश्तर था, उसके आईने हस्ती में जो अमले जोहर था, जो भरोसा था उसे कुवते बाजू पर था, तुम्हें मौत का डर था उसे खुदा का डर था। मेरे जैसे हजारों करोड़ों पाकिस्तानी ऐसे हैं जो सिर्फ खुदा से डरते हैं, और अल्लाह का शुक्र है हम आज भी उन्हीं की औलाद है जो सिर्फ खुदा से डरती हैं। तेरे जैसे दो टके के लोगों से हम नहीं डरते, और ना ही तेरी बेढंग अंदाज से हम डरते हैं। सामने आके बात कर फिर देख कैसा जवाब मिलेगा, हम तेरे मोहताज कभी ना थे ना है और इंशाल्लाह कभी ना होंगे, क्योंकि हम ला इलाहा के मानने वाले हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।